ये ऑटो करेक्ट जो होता है ना, ये काफी बार जिंदगी की लगा देता है, क्योंकि हम कहना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सीमा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, इसीलिए मैं भी कोई इसको खास लेता नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और शुरू करते हैं हम हमारा वार्म अप। यस, टुडे 6 नवंबर 2023, सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओ माय गुडनेस, इट रियली फील्स सो अमेजिंग, स्पेशली वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन देने वाले हैं, उन लोगों को आज के पेपर के बाद फील होगा कि 75% हमारी एग्जामिनेशन खत्म हो गए। जो ग्रुप टू दे रहे हैं, दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, यस, उनके लिए सफर अभी काफी लंबा है, सफर अभी बाकी है। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यार इंटरमीडिएट की एग्जाम्स, या मैं कहूंगा सीए की एग्जाम, या फिर मैं अगर कहूं कि कोई भी एग्जाम जो होती है ना, वो एकेडमिक गेम से ज्यादा माइंड गेम होता है। आपको अपने इमोशनल क्वेश्चन को अच्छे से मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है, कि आप खुद का दिमाग कितना कूल रखते हैं, कितना शांत रखते हैं, खुद को किस तरीके से आप खुद को बचाते हैं एंग्जाइटी से और बाकी सारी चीजों से, और आप एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच गया। मैं हमेशा अपने बच्चों से क्लास में ये कहता हूं कि असली एग्जामिनेशन वो नहीं है जो 3 घंटे का पेपर आप बैठ के लिखते हो, या असली रिजल्ट वो नहीं है जो एग्जाम देने के बाद आता है। मेरी नजर में असली एग्जाम और असली रिजल्ट है एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचना। ट्रस्ट मी, पिछले 11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, एज ए टीचर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हर बार जितने बच्चे बैच के पहले दिन होते हैं, मतलब एडमिशन लेते हैं, उतने पूरे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंचते। बहुत सारे बच्चों का लॉस इन ट्रांजिट होता है, और ये लॉस इन ट्रांजिट आखिर क्यों होता है? बिकॉज हर एक बच्चा अलग अलग परेशानी से जूझ रहा है, हर एक बच्चा अलग अलग चीज से जूझ रहा है, और वो एग्जाम देने से पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही खुद को फेल घोषित कर देता है, और कहीं ना कहीं वो पता है दुनिया की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में फेल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असली असली स्टूडेंट वो नहीं है जो एग्जामिनेशन में, एक्चुअल एग्जाम में पास होकर है, असली जीत, असली रिजल्ट वो है जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ। और इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एकाग्रता। मैं यहां पर आप लोगों के सामने लेकर आऊं मेरी लाइफ के 3 सक्सेस मंत्र, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस, और इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे अभी हमारा वार्म अप सेशन। जितने भी बच्चे अभी भी नए हैं, उन सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि यार वार्म अप जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जामिनेशन से पहले, या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को उसके लिए प्रिपेयर करें, और वही चीज हम लोग यहाँ सेशन में करने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट पे हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चंस है, ये तीनों के तीनों पीवाईक्यूज़ है, ये सेलेक्ट मैंने खुद ने किए हैं। ये 3 क्वेश्चंस को हम एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में अभी यहां पर बैठकर सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सबको मैं बता दूं कि आप लोगों को 180 मिनट मिलते हैं 100 मार्क का पेपर सॉल्व करने के लिए। दिस कैलकुलेशन शोज दैट यू गेट अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिनट्स फॉर एवरी 1 मार्क ऑफ वर्थ ऑफ क्वेश्चन। सो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 18 मिनट, और 5 मार्क का आता है तो 9 मिनट। इस तरीके से हम लोग टाइम बाउंड होकर ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आइडिया बहुत सिंपल है, वार्म अप करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, हमारे बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारे हाथ चलते हैं यानी चलते हैं, कांपते हैं यानी कांपते हैं, जो भी है जैसे भी है हम लोग देखेंगे। अगले 2 मिनट में चालू करने जा रहा हूं, फटाफट सब जने वीडियो को लाइक कर लीजिए। 200 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 96 लाइक्स है, नालायक को फटाफट लाइक करो, अटेंडेंस मार्क करो, अपना कैलकुलेटर रेडी रखो, अपनी स्टेशनरी आइटम्स रेडी रखो, और अपना रजिस्टर निकाल के रखो। 2 मिनट के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा ये वार्म अप सेशन। अगर वार्म अप सेशन के कोई नोट्स डाउनलोड करना चाहता है तो वो यहाँ पर लाइव चैट में पिन की गई लिंक को क्लिक कर डाउनलोड कर सकता है। ओके, क्या बात है, सीमा मेहरा, प्राची गोयल, गगन जैन, प्रियांशु कुमार, शौमानसी तिवारी, अनन्या चौधरी, हार्दिक गोयल, सुदर्शन, डेथ नोट, नेहा तोलानी, विशाल मौर्य, राजवीर सिंह जाला, रोहिणी वालवे, कार्तिक गोयल, तिशा देसाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पालक गुड मॉर्निंग, आफ्ताब गुड मॉर्निंग, सुनीता मित्तल गुड मॉर्निंग, सचिन चौधरी गुड मॉर्निंग, कनव गुड मॉर्निंग, सीए आयुष कुमार शाह गुड मॉर्निंग, अनिकेत पटेल गुड मॉर्निंग, हर्षित गुड मॉर्निंग, रूमी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, और एक बार जोरदार तालियां मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ट्रस्ट मी, बिलीव मी,
में बिलीव मी आप लोगों की एग्जाम कैसे भी हो, मेरी नजर में आप लोग पास ऑलरेडी हो चुके हैं, बिकॉज आप लोगों ने वो करेज दिखाया कि आप एग्जाम हॉल तक पहुंच रहे हैं। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग ये डेट को मार्क कर लेना, एग्जाम आपकी 17 तारीख को खत्म हो रही है, संडे 19th ऑफ नवंबर की डेट को मार्क कर लीजिएगा। इस दिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सेशन लेने वाला हूँ। ये सेशन किस चीज पे होगा, क्या होगा, ये आपको सही समय पे पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा, बट संडे 19th ऑफ नवंबर को मार्क कर लीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्टिंग का है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम है 18 मिनट्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, सही तरीके से आपको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये PYQs ही लिए हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं खुद की एक्सपेक्टेशंस का, ओवर एक्सपेक्टेशंस का शिकार नहीं बनूंगा। फटाफट पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। आपको भी देखना है कि आपका माइंड ये क्वेश्चंस को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है और कैसे रिट्राइव कर पा रहे हैं। एन ऑटोमोबाइल कंपनी परचेजेस 27,000 ऑटो पार्ट्स फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, 27,000 ऑटो पार्ट्स, ओके। The cost per order is ₹240 and the annual carrying cost is 12.5% each, spare part cost ₹5050. Carrying cost per unit per annum अगर मुझे निकालना है तो या तो वो फिगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होती है या फिर कॉस्ट प्राइस को मुझे मल्टीप्लाई करना होता है कक पुप्पा के परसेंटेज से, जो कि यहाँ पे है 12.5%। तो 50 का 12.5% होता है 6.25 रुपीस, कितना 6.25 रुपीस, each spare part costed ₹50, इसका इतना ही use है। At present the order size is 3000 spare parts, हमारी annual requirements है 27,000 spare part की, current order size है 3000, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि currently मैं 9 orders place कर रहा हूँ, है ना, 27,000 divided by 3000, assuming that the number of days in a year are 360 days, find out how much the company's cost would be saved by opting an EOQ model. The reorder point matlab reorder level under EOQ model if lead time is 12 days and how frequently order should be procured, order for procurement be placed under EOQ model. Okay, teen alag alag sawal hai, 10 mark ka question hai, acche se isko karte hain solve. ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ईओक्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को लेकर मैं एक चीज सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी फुल फॉर्म्स हैं या तो उसको फॉर्मूला में ही लिखें, या अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं 2AO/C तो AO और C का मतलब क्या है वो साइड में अलग से लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 into annual consumption into ordering cost divided by carrying cost, आप समझ रहे हैं? तो यार इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, okay? So that gives you 2 into 27,000 into ordering cost है यहां पर 240, carrying cost है 6.25, so 2 into 27,000 into 240 divided by 6.25 और उसका लेता हूं मैं रूट, यहां पर देखिएगा आता है 1440 यूनिट्स, चेक ऑल ऑफ यू कितना 1440 यूनिट्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द कंपनी कॉस्ट वुड बी सेव्ड बाय ऑप्टिंग ईओक्यू मॉडल। ये हम सभी को पता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपकी कॉस्ट सबसे लोएस्ट होगी, लेकिन कंपनी की प्रेजेंट पॉलिसी है 3000 स्पेयर पार्ट्स की, नो प्रॉब्लम। तो आपको कॉस्ट सेविंग आपको निकालना है, कॉस्ट सेविंग मतलब कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है उतनी कॉस्ट कंपनी बचा सकती है, ठीक है। इसको करने के लिए आप एक टेबल बना सकते हैं पर्टिकुलर्स और दो कॉलम वाला, ठीक है। मैं यहां पर ये टेबल बना रहा हूं, इट विल सर्टनली रन अप टू द नेक्स्ट पेज। So this is my first part of the question, particulars, present policy है 3000 units और 9 orders और अब दूसरा है EOQ model। EOQ model के अंदर हम लोग order करेंगे एक order में 1440 units
और अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे निकालना है 27,000 डिवाइडेड बाय 1440 दैट गिव्स मी 18.75 ऑर्डर, करेक्ट? बहुत ही बढ़िया. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हाउ मच द कंपनीज कॉस्ट वुड बी सेव्ड. At economic order quantity, we assume that the purchase price remains same. There is no quantity discount available. तो हमें comparison सिर्फ दो cost पे करना है. सबसे पहले करना है total ordering cost. Okay. So यहाँ पर ordering cost कितनी होगी बेटा जी? 9 orders multiplied by 240. और यहाँ पर अगर मैं round off कर लेता हूँ तो 19 orders multiplied by 240. Round off नहीं किया तो भी चलेगा, या तो भी चलेगा, as such कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4560 और यहाँ 9 into 240 ये आ रहा है 2160. सेकेंड कॉस्ट जो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं वो है टोटल कैरिंग कॉस्ट. टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. ऑर्डर साइज यहाँ पर जो है वो है 3000 का डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 6.25. ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 6.25. तो 1500 इनटू 6.25 यहां पे आता है 9375. और यहां पर 1440 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 यहां पर आ रहा है 4500. तो At economic order quantity, ordering cost should always be equal to carrying cost. लेकिन यहाँ पर ये जो minute सा difference आ रहा है, ये आ रहा है because हमने 18.75 orders को 19 में round off किया. तो अब हम निकालते हैं total cost. Total cost आएगी यहाँ पर at economic order quantity rupees 9060 और यहाँ पर 2160 plus 9375 यहाँ पर आएगी rupees 11,535. अब समझना. Therefore, cost that would be saved. अगर आप present policy से economic order quantity पे shift करते हैं तो आप 2475 rupees की cost को save करेंगे. check कीजिएगा, है ना? तो जैसे कि मैंने कहा, एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं 19 की जगह absolute 18.75 भी ले सकता हूँ, उतना चलता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. The reorder point under EOQ model if the lead time is 12 days. Okay, EOQ model के अंदर reorder point का formula, reorder point का मतलब होता है reorder level का formula होता है maximum usage into maximum lead time. ये हम कैसे निकालेंगे? How are we going to calculate the maximum usage into maximum lead time? Safety stock के बारे में बेटा जी यहाँ पर कहा नहीं है, तो जब safety stock के बारे में यहाँ पर कहा नहीं है तो safety stock को हम लोग देखेंगे नहीं. But maximum usage कैसे निकालेंगे? Maximum lead time तो दिया है यहाँ पर 12 days. Maximum usage को कैसे निकालेंगे हम? कोई मुझे बता सकता है? How can we calculate? सर देखिए, annual consumption is 27,000 divided by the number of days that we have to consider in a year is 360 days. So 27,000 divided by 360, your daily usage is 75 multiplied by 12. Is it coming to 900 units? Check all of you. That is your reorder level. बिल्कुल सही कहा आपने. Reorder level के formula दो type के होते हैं. एक होता है with safety stock, एक होता है without safety stock. ये विदाउट सेफ्टी स्टॉक है बिकॉज सेफ्टी स्टॉक के बारे में यहाँ पे कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है. हाउ फ्रीक्वेंटली द ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट शुड बी प्लेस्ड अंडर ईओक्यू मॉडल. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर के बारे में आपसे पूछा गया है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर यहाँ पे डेज में निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डेज दिया है. 360 डेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ओके, सो 360 डेज. अब फिर से मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, या तो आप डिनोमिनेटर में 18.75 ले सकते हैं या फिर आप 19 ऑर्डर ले सकते हैं, उससे मार्जिनल डिफरेंस पड़ने वाला है. 360 डिवाइडेड बाय 19 डेज अगर मैं यहां पर लेता हूं तो आता है 18.95, दैट इज 19 डेज. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज 19 डेज. अगर मैं 360 को डिवाइड करता हूं 18.75 से
तो आंसर आता है 19.2 डेज, मतलब इवन इन दैट केस आल्सो यू वुड हैव राउंडेड ऑफ टू 19 डेज, सो योर आंसर विल नॉट चेंज. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज 19 डेज, मतलब हर 19 डेज के बाद हम ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं. अब यहां पर मैं टाइम को कर रहा हूं खत्म. 10 मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम इसका होता है 18 मिनट. दोस्तों हमने ये क्वेश्चन 10 मिनट में कंप्लीट किया है, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट डिस्कशन एंड एवरीथिंग. जस्ट एंड जस्ट 10 मिनट्स वी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. प्राइमाफेसिया व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चन, इट मेक्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर माइंड. व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन यू एक्चुअली गेट स्केयर्ड आउट ऑफ इट, यार ये बहुत बड़ा है, ये मैं कैसे करूंगा, कॉस्ट सेव कैसे निकालूंगा. बिकॉज अभी तक कस्टमरली हमारा दिमाग जो है वो ट्रेंड है टू कैलकुलेट दी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कॉस्ट कितनी लगेगी, हमारी प्रेजेंट पॉलिसी में कॉस्ट कितनी लगेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी. लेकिन ये नया शब्द देखकर हम डर जाते हैं. बिल्कुल डरना नहीं है, कीप योर माइंड एब्सोल्युटली काम एंड कूल, रीड क्वेश्चन ट्वाइस, रीड क्वेश्चन थ्राइस इफ रिक्वायर्ड, एंड ऑल्सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ द 15 मिनट्स. फर्स्ट 15 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है प्रोसेस कॉस्टिंग का, 5 मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम है 9 मिनट्स. ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक हमने देखा है, अच्छा टॉपिक है. ओके नाउ एमएनओ लिमिटेड हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स. ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 10,000 यूनिट्स एट 50,000, मटेरियल इज 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स 70% कंप्लीट. सो इसको हम कहते हैं डीओसी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन. इनपुट ऑफ मटेरियल इज 55,000 यूनिट्स एट ₹2,20,000. Amount spent on labor and overheads is 26,500 and 61,500 respectively. Okay, 9,500 units were scrapped. Degree of completion, material is 100%, labor and overheads is 60%. Closing WIP is 12,000 units. Degree of completion of material is 100%, labor and overheads is 90%. Finished units transferred to the next processor 43,500 units. Normal loss is 5% of total input including opening WIP. So 5% of total input including opening WIP. ठीक है? Scrap units would fetch 8.50 per unit. You're required to prepare using FIFO method. What are we supposed to prepare? Statement of equivalent production and amount abnormal loss account. Oh my goodness. Oh my goodness. This is just amazing. Timestamp को मैं यहाँ पे करता हूँ note 7:19 AM. इसको मैं नोट करके यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चंस कब आते हैं? जब हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के क्वेश्चंस देखते हैं. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चन में दो मेथड्स हम लोग देखते हैं, एक होती है फीफो मेथड, एक होती है एवरेज कॉस्ट मेथड. ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना हम रिकॉल कर पा रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले उसका एक फॉर्मेट बनता है, एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम. फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आता है इनपुट क्वांटिटी, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आउटपुट क्वांटिटी. ठीक है, अब यहाँ पे मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग से दिया है, लेबर और ओवरहेड्स का अलग से दिया है, तो हम उसको दोनों को मर्ज कर सकते हैं, है ना. तो ये फॉर्म कॉलम हो गया डिग्री ऑफ कंप्लीशन का, ये हो गया इक्विवेलेंट यूनिट्स का, फिर यहाँ पर कॉलम बन गया डिग्री ऑफ कंप्लीशन का, और ये बन गया इक्विवेलेंट यूनिट्स का. तो इतने कॉलम्स हमारे बनेंगे. इसको मैं टाइटल दे देता हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ओके, यहां पर सबसे पहले आएगा इनपुट क्वांटिटी. फॉर्मेट याद आ रहा होगा सभी को, काफी बार पता है प्रॉब्लम यही होती है फॉर्मेट कहां से बनाना है, कहां से शुरू करना है, यही याद नहीं आता एग्जाम में. आउटपुट क्वांटिटी, फिर मटेरियल, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स, लेबर एंड ओवरहेड्स, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स. नो मैटर, मेरा कोई क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट ना हो चलेगा, लेकिन अगर मैं स्टेप मार्किंग का भी फायदा ले सकूं तो भी मेरे लिए काफी सही होगा, करेक्ट. ओके नाउ कीप योरसेल्फ काम क्वाइट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओपनिंग WIPs 10,000 यूनिट्स एट ₹50,000. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर वैसे भी अमाउंट का कोई यूज नहीं होता है. ओके, ओपनिंग WIPs 10,000 यूनिट्स, मटेरियल 100%
100%, लेबर ओवरहेड जस्ट 70%। ओपनिंग WIP इनपुट में है 10,000 यूनिट्स। इसके डिग्री ऑफ कंप्लीशन का अभी यूज नहीं होने वाला है क्योंकि अभी हम सिर्फ इनपुट क्वांटिटी लिख रहे हैं। इनपुट ऑफ मटेरियल इज 55,000 यूनिट्स। अमाउंट्स दिए हैं, अमाउंट्स कब यूज आएंगे, जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। इनपुट इज 55,000। चेक ऑल ऑफ यू। नाउ ओपनिंग WIP हो गया 10,000, इनपुट हो गया बेटा जी यहां पर 55,000, टोटल हो गया 65,000। अब हमें आउटपुट का प्लान करना है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट के कॉलम्स को मैच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के बॉटम में दिया है कि नॉर्मल लॉस जो है इट इज 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। सो माय टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP बिकम 65,000। मुझे ये देखना है कि मेरे पास 65,000 का आउटवर्ड मैच होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना होगा, इट इज 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। तो 65,000 का 5% होता है 3,250। कभी भी ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं निकालते हैं बिकॉज वो नॉर्मल होता है। हम उसको ऐसा समझते हैं एज इफ वो क्वांटिटी कभी हमारे पास था ही नहीं। करेक्ट, क्लियर हो गया सभी को? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये कहते हैं 9,500 यूनिट्स वर स्क्रैप्ड। टोटल जो यूनिट स्क्रैप हुए हैं वो है 9,500 यूनिट्स, जिसमें से 3,250 नॉर्मल लॉस है। तो 9,500 माइनस 3,250 मतलब एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, चेक करिएगा, 6,250। समझ रहे हैं? तो यूनिट स्क्रैप जो होता है वो नॉर्मल एबनॉर्मल मिलाकर होता है और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दिया है 100% फॉर मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स का 60%, 100% फॉर मटेरियल, सो 6,250 एंड 60% फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, सो 6,250 का 60% होता है 3,750, है ना? नॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन ब्लैंक होता है, एबनॉर्मल लॉस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट, क्लोजिंग WIP है 12,000 यूनिट्स, ठीक है, उसको भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसका चेक कर लेते हैं, 100% विद रिगार्ड्स टू मटेरियल, 90% विद रिगार्ड्स टू लेबर एंड ओवरहेड्स, 100%, सो दैट गिव्स यू 12,000, 90% विद रिगार्ड्स टू लेबर एंड ओवरहेड्स, तो 12,000 का 90% होता है 10,800, चेक करिएगा 10,800। अब लास्ट में जो चीज बचती है वो ये है कि हाउ मच यूनिट्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस 43,500। ओके, ट्रांसफर मेरे पास एक लाइन कम पड़ गई है, कोई बात नहीं, छोटा छोटा लिखेंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट क्वांटिटी कॉलम का बैलेंसिंग फिगर क्या है। 65,000 होना चाहिए टोटल, माइनस 3,250, माइनस 6,250, माइनस 12,000, क्या ये 43,500 है? बिल्कुल, यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस 43,500, मतलब ये बिल्कुल टैली होता है। लेकिन अब यहां पर मेथड का रोल पिक्चर में आता है। ये जो यूनिट्स बनाकर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए हैं इसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। गगन भाई बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहां पर हम यूज कर रहे हैं फीफो मेथड। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 10,000 और फिर हम लेंगे आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन। करंट प्रोडक्शन में से कितना होगा, तो 43,500 में से 10,000 ओपनिंग में से जाएगा, तो 33,500 करंट प्रोडक्शन में से जाएगा। जो करंट प्रोडक्शन में से जाएगा दोस्तों, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा 100% विद रिगार्ड्स टू मटेरियल एंड 100% विद रिगार्ड्स टू लेबर एंड ओवरहेड्स। लेकिन जो यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक वाले हैं, ध्यान से समझना, वो पिछले पीरियड में, लास्ट पीरियड में कुछ खत्म हो गए थे, अब बाकी के यूनिट्स को अब हम कंप्लीट करेंगे। मतलब अगर आप ओपनिंग WIP का DOC देखते हैं तो आपको पता चलेगा 100% मटेरियल लग चुका है, अब उसमें कोई मटेरियल लगाना नहीं है, लेकिन लेबर ओवरहेड 70% कंप्लीट हुआ है, मतलब 30% लेबर ओवरहेड अब और यहां पर लगने वाला है, तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे 3,000।
सबसे पहली चीज चेक करना है दोस्तों, वो इनपुट क्वांटिटी आउटपुट क्वांटिटी की टोटल मैच हो रही है, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स की टोटल लेंगे, 6250 प्लस 12000 प्लस 33500, टोटल चेक कीजिएगा 51750, 51750, 3750 प्लस 10800 प्लस 3000 प्लस 33500, 51050, चेक करिएगा 51050। So, ये बन गया हमारा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चेक ऑल ऑफ यू, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब यहां पर दूसरी चीज जो हमें बनाने के लिए कही है वो है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ना थोड़ा सा खेल गया है, आई एम श्योर जो बच्चों ने ये टॉपिक किया है वह समझ पा रहे हैं कि व्हाट डू आई मीन जब मैं कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट यहां पर थोड़ा खेल गया। मैं आपको बताता हूं क्या है, आप समझिएगा। अब देखो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, थोड़ा फोकस करना। एबनॉर्मल लॉस में क्या हुआ, सबसे पहले आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है 6250 यूनिट्स का, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे आप, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। आपको पहले 6250 यूनिट्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आपको याद होगा तो स्टेप नंबर टू एक हम करते हैं। स्टेप नंबर वन तो होता है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेप नंबर टू होता है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, वो कॉस्ट आपको यहां पर निकालनी पड़ेगी, है ना। और फिर मतलब इंस्टीट्यूट इतना स्मार्ट है कि उन्होंने आपसे स्टेप नंबर टू कहा नहीं है बट फिर भी आपसे कहा है, भाई साहब ठीक है कोई बात नहीं, और फिर इसमें से कुछ रिकवरी होगी, मतलब नॉर्मल लॉस का अमाउंट आप रिकवर करेंगे तो बाय कैश और बैंक अकाउंट जो स्क्रैप है उसकी वैल्यू आप लेंगे। चेक करिएगा क्वेश्चन में दिया है स्क्रैप यूनिट्स वुड फेच 8.50 पर यूनिट, तो 6250 को हम 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6250 मल्टीप्लाइड बाय 8.50 पर यूनिट, 6250 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 53125। और फिर अब जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो कहां पे जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। मेरा पर्सनली मानना है 5 मार्क के लिए क्वेश्चन काफी हेवीली ओवरवैल्यूड है, अंडरवैल्यूड है सॉरी, क्योंकि ये तो 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है। 9 मिनट्स वैसे हमारे पूरे हो चुके हैं, सिग्निफिकेंटली क्वेश्चन हमारा हो चुका है, लेकिन अब फिर भी हमें वैल्यूएशन यहाँ पर करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अब हमें इसके लिए बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अब हम क्या क्या कंपोनेंट्स लेने वाले हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2 कंपोनेंट्स है, एक है मटीरियल, दूसरा है लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है नो प्रॉब्लम। मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अब क्योंकि मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो यहां पर हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मटेरियल कॉस्ट में यहां पर क्या कंसिडर करूंगा, टेल मी ऑल ऑफ यू, हाउ एम आई गोइंग टू कंसिडर द मटेरियल कॉस्ट। सर मटेरियल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनपुट ऑफ मटेरियल 55,000 यूनिट्स एट रुपीज 2,20,000, मटेरियल पे जो कॉस्ट लगी है वो लगी है सर 2,20,000, ठीक है सर, एंड लेबर एंड ओवरहेड्स 26,500, 61,500 रिस्पेक्टिवली, लेबर एंड ओवरहेड, सही लिखा ना मैंने, हाँ। अब देखो यहां पर एक सवाल दिमाग में आता है कि सर ये जो ओपनिंग WIP का 50,000 रुपए दिया है, ये 50,000 रुपए का क्या होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर क्योंकि ओपनिंग WIP जो है इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, तो जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे तब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स फीफो मेथड के अंदर हम इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि फीफो मेथड के अंदर हम यहां पर ओपनिंग स्टॉक को कहीं और यूज कर नहीं रहे, वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हम उसको ऐड कर देते हैं, फीफो में हम ऐड नहीं करते हैं, करेक्ट। तो हम सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट यहां पर कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है सर, ओके ये समझ में आ गया। ओपनिंग WIP 50,000, इनपुट ऑफ मटेरियल 2,20,000, लेबर 26,500 एंड द ओवरहेड्स आर 61,500, 9,500 यूनिट्स आर स्क्रैप्ड, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है, क्लोजिंग WIP दिया है, ओके दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल।
अब यहां पर एक चीज हमें और करनी पड़ती है, क्या सर? जो मटेरियल कॉस्ट लगा है इसमें से अगर कोई नॉर्मल लॉस का सैलवेज हुआ है तो उसको हमें माइनस करना पड़ता है। अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल भूल ही गए थे, नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है? 3250, और 8.5 से स्क्रैप हुआ है, सो 3250 इंटू 8.50 का स्क्रैप हुआ। ये तो सर बहुत अच्छी चीज हो गई, अदरवाइज भी बड़ा। एक्चुअली फॉरगॉट, 27625, 27625। तो अब हमें मिलेगी नेट कॉस्ट, 2,20,000 में से माइनस करते हैं तो नेट कॉस्ट आएगा 192,375, 192,375, करेक्ट? ओके, अब मटेरियल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे इसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। मटेरियल का है 51750, 51750 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 51750 यूनिट्स, तो आपको मिलेगा 3.72 पर यूनिट। राउंडिंग ऑफ किया है मैंने, 3.72 पर यूनिट, चेक करिएगा। लेबर कॉस्ट में आते हैं, 26,500 51,050 यूनिट से डिवाइड करते हैं, 51,050 यूनिट्स, तो 26,500 डिवाइडेड बाय 51,050 यूनिट्स, यहां पर अमाउंट आता है 0.52 पर यूनिट। भाई साहब ऐसी फिगर्स आती है ना, कॉन्फिडेंस पूरा जमीन पर आ जाता है, हमें खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि हम लोग सही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर यहां पर डिवाइडेड बाय 51,050 यूनिट्स, यहां पर अमाउंट बनता है 61,500 डिवाइडेड बाय 51,050 यूनिट्स, ये होता है रुपीज 1.20 पर यूनिट। चेक करना। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट हमारे सामने है। अब हम लोगों को यहां पर वैल्यूएशन करना है किस चीज का? एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखो, 6250 यूनिट्स है, 100% मटेरियल लग चुका है, 60% लेबर और ओवरहेड लगा है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वैल्यूएशन करते हैं, मटेरियल कंप्लीटेड की कॉस्ट है 3.72, तो मैं यहां पर लेता हूं 6250 इंटू 3.72, चेक करना, प्लस प्लस। अब इसमें ऐड करना है लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितना मटेरियल है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, एबनॉर्मल का चेक कर लेना, एबनॉर्मल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 60%, इक्विवेलेंट यूनिट्स है 3750, तो मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूं, 3750 इंटू लेबर की कॉस्ट है 0.52, 0.52, और 3750 मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड की कॉस्ट है बेटा जी 1.20, चेक करना 1.20, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। लेबर ओवरहेड्स को कंबाइन कर दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 6250 इंटू 3.72 इज इक्वल टू 3750 इंटू 0.52 इज इक्वल टू 3750 इंटू 1.2 इज इक्वल टू, और तीनों की टोटल है 29,700, चेक करिएगा 29,700, शाबाश, 29,700 का लॉस हुआ है और हम ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं 53,125। मतलब एक्चुअली यहां पर जो गेन हुआ है, ये गेन कहां पे ट्रांसफर होगा? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में, और ये अकाउंट को करेंगे क्लोज, 53,125, 53,125। 7:34 हुए हैं, 15 मिनट लग गए हैं ये क्वेश्चन करने में, कोई हरकत वाली बात नहीं है। 7:19 पे चालू किया था, 7:34 AM पे खत्म हुआ है, 15 मिनट लग गए हैं। जैसे कि मैंने कहा, 5 मार्क का ये क्वेश्चन था ही नहीं, ये क्वेश्चन इससे ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑल सेट एंड डन, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्फिडेंट है आप और लग रहा है कि शॉर्ट शॉर्ट बन जाएगा, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ चलेगा, चलेगा, बिल्कुल इस चीज को रखना है ध्यान, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन हुआ, काफी ओमिटेड कंसेप्ट है, बच्चे इसको काफी लो प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन इसको लो प्रायोरिटी में नहीं रखा जा सकता है ना। आरजी हर्षी, आई एम सो सॉरी यार, मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, आज आपकी एग्जाम है। हाँ, अगले अटेम्प्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इस अटेम्प्ट के लिए नहीं कर पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 9 मिनट्स का स्टैंडर्ड टाइम है, लेट्स गेट स्टार्टेड।
7:36 का टाइम स्टैम्प मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कुछ सेकंड्स ऊपर हुए हैं, कोई बात नहीं। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच द मार्केट डिमांड एग्जिस्ट फॉर एडिशनल क्वांटिटी। प्रेजेंट सेल ऑफ रुपीज 6 लाख यूटिलाइजेस 60% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ओके, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। 6 लाख रुपीज का सेल है, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम यहां से निकालेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 6000 यूनिट्स। तो यहां पर आप समझना 60% कैपेसिटी पे 6000 यूनिट्स हो रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30 रुपीज पर यूनिट। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हैं जिसमें से 60000 रुपीज फिक्स्ड है और 5 रुपीज पर यूनिट है। हमें अलग अलग बाइफरगेट करने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको दिए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट सो एज टू अराइव एट एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट 60%, 80%, 100%। पर्टिकुलर्स और थ्री कॉलम्स, लेट्स क्विकली डू इट। पर्टिकुलर्स एंड थ्री कॉलम्स, टाइटल होगा बहुत सिंपल, सिक्सटी परसेंट, 80%, 100%। ओके, सबसे पहले लिखना तो चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स। 60% पे हमने निकाले हैं 6000 यूनिट्स, 80% पे होंगे ऑब्वियसली 8000 यूनिट्स, और 100% पे होंगे बेटा जी 10000 यूनिट्स, नो प्रॉब्लम। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा टोटल सेल्स। बिल्कुल तरुण शर्मा, टोटल सेल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, सेलिंग प्राइस चेंज हो नहीं रही है, तो यहां पर आपका सेल्स वैल्यू आएगा 6 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज। चलिए बहुत अच्छी बात है। वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर यूनिट। सो 30, सो 6000 इनटू 30 बिकम्स 1,80,000, 2,40,000 एंड 3 लाख। चेक ऑल ऑफ यू करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। 350 बच्चे, 357 स्टूडेंट्स वाचिंग एंड ओनली 230 लाइक्स, शाबाश। इसको कहते हैं गजब बेइज्जती। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। ओके, तो सेमी वेरिएबल का हम लोग पहले माइनस करते हैं वेरिएबल कंपोनेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर यूनिट। सो 6000 इनटू 5 30000, थ्योरेटिकली ही कर सकते हैं हम। 8000 इनटू 5 40,000 और 10,000 into 5 that gives you 50,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सेमी वेरिएबल का हम माइनस करते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेंस फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। 60,000 रुपीज इज फिक्स्ड, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं 60,000 and 60,000। चेक ऑल ऑफ यू, 60,000, 60,000, 60,000, बहुत ही बढ़िया। नाउ फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हैं आपको रुपीज 1 लाख एट प्रेजेंट लेवल, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 25% एंड अबव 80% कैपेसिटी, एट एंड अबव 80% कैपेसिटी। तो अभी जो प्रेजेंट लेवल है वहां पर 1 लाख रुपीज है फिक्स्ड कॉस्ट। प्रेजेंट लेवल मतलब 60% पे है रुपीज 1 लाख। अगर आप 80% एंड अबाव पे ऑपरेट करेंगे तो ये 25% से बढ़ जाएगा। दिस विल बिकम 1,25,000। 80% है एंड 80% एंड अबाव मतलब 100% में भी 1,25,000। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म हो गया यार। अरे रे रे, ये ट्रूली सही मायने में 5 मार्क का क्वेश्चन है। पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना, मेरे को लगता है पेपर सेटर का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया और झगड़ा करते करते भाई ने वो पेपर सेट किया होगा। -180, -30, -60, -1,00,000, 2,30,000। देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,30,000
8 लाख माइनस 2 लाख 40,000 माइनस 40,000 माइनस 60,000 माइनस 1 लाख 25,000 3 लाख 35,000 चेक ऑल ऑफ यू। इसके बाद 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस 50,000 माइनस 60,000 माइनस 1 लाख 25,000 4 लाख 65,000। तो अगर आप देखेंगे कंक्लूजन यहां पे आपको देना नहीं है, पर आपका सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100% पे हो रहा है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ज्यादा अच्छे से रिकवर हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, 736 पे चालू किया था, 741 पे खत्म कर लिया भाई साहब, 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हमने कर लिया खत्म। तो हर घड़ी बदल रही है, रूप जिंदगी छाव है, कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहां जी भर जियो, जो है समा कल को ना हो। जिंदगी में जिंदगी भी जो है ना हमारी इस क्वेश्चन पेपर की तरह होती है, हर 10 मार्क का क्वेश्चन जरूरी नहीं है 18 मिनट में हो, और हर 5 मार्क का क्वेश्चन जरूरी नहीं है 9 मिनट में हो। कभी किसी क्वेश्चन को समय ज्यादा लगता है, कभी किसी क्वेश्चन को समय कम लगता है। All that is required is sheer performance. आपको बस जाना है और अपना परफॉर्मेंस देके आना है। उम्मीद करता हूँ वार्म अप सेशन अच्छा रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आओगा। प्लीज अंडरस्टैंड, 3rd out of 4th विल बी डाउन टुडे। 4 में से 3रा पेपर आज आपका खत्म हो जाएगा। जस्ट गो एंड प्ले योर नेचुरल गेम, अपने दिमाग से निकाल दो पेपर नंबर 1 में क्या हुआ, पेपर नंबर 2 में क्या हुआ। ऐसा समझो कि ये जो आपका पेपर है, यह आज का पहला और आखिरी पेपर। अभी ये सेशन खत्म हो जाने के बाद वापस से बैठिए, अभी आपका दिमाग भी गर्म हुआ है, हाथ पैर भी गर्म है, शरीर भी गर्म है, इस गर्माहट को यूज कीजिए, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ट्रस्ट मी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद में फॉर्मूला की रिवीजन कीजिए, थोड़ी थ्योरी की रिवीजन कीजिए, सेंटर पे जल्दी पहुंच जाएगा। पेपर राइटिंग टिप्स के ऊपर मैंने जो अकाउंट्स का एक वीडियो अपलोड किया था, वही वीडियो कॉस्टिंग के लिए रेलेवेंट है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सेव कर लीजिएगा डेट अपने मोबाइल के कैलेंडर में, 19th of November को अलार्म सेट कर लेना सुबह 7 बजे का, कि 7 बजे अंशुल सर का इंस्टाग्राम चेक करना, और वहां पे कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए होने वाली है, उसको जरूर देखेंगे। एकाग्रता टीम की तरफ से आप सभी को आज के इस पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। शाम को आपके कॉल्स का करूंगा मैं इंतजार, इवन दो मैं क्लास में रहूंगा, बट कुछ बच्चों के कॉल्स मैं सर्टनली रिसीव करूंगा। ये मुझे मैसेजेस करके जरूर बताइएगा आज का आपका पेपर कैसा हुआ है। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चों जाके पेपर दे के आओ, फोड़ के आओ, और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बाश।